जस्ट सर ठाकुर, दोस्तों आपको बहुत महान तीन रहस्य बताऊंगा कामयाब आदमी के, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो दुनिया का कोई भी टॉपर रहेगा। तो वो तीन चीज़ें अगर आप करते हो तो आप अपने एरिया के दिग्गज लोगों में गिने जाओगे, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ है कि आपको हमेशा टीचेबल रहना पड़ेगा, रेडी टू लर्न एंड लिसन, हमेशा सीखने की आदत। जो भी कामयाब लोग हैं उनके अंदर भूख रहती है एकदम से, बोले लालायित रहते हैं एकदम से कि और क्या सीखने को मिले और मेरे बिजनेस से रिलेटेड क्या रहे। मैं देखो कितना, ये देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे, अब जरूरी यही बुक ले लो, ये फर्स्ट अभी गो गिवर सेलिंग के लिए पढ़ रहा हूँ, वाजिवा सेल लाइक सेलहेंड, आप सुने होंगे, ये रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिग शॉट है, इसकी स्टोरी कभी बताऊँगा। अब ये सोशल मीडिया का कैसे, अभी यूट्यूब पे भी हूँ, तो यू नो, तो ऐसी चीज़ें मैं पढ़ते रहता हूँ। इनफैक्ट मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, तो ऐसे ये देखिए मतलब मेडिटेशन वगैरह के लिए, अगर और देखूँ तो नो, बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास। तो ये अभी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसको आपको दिखाऊँ मैं, हर एक पेज आप देखोगे तो अंडरलाइन या देखो ऐसे मार्क रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ो। तो पहले क्या बुक्स, उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। एक आदत बना लो, रोज़ 20 मिनट या सोते समय कोई ना कोई वीडियो लगा दो, जो भी आपका फेवरेट स्पीकर हो, सब एक से एक बढ़िया है। बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो डेली देखें, दो देखें तो ज़्यादा है, एक टेक्निक पे, क्लोजिंग पे, फॉलोअप पे, और एक मोटिवेशन पे जो आपको एटीट्यूड बनाए, ठीक है। एक एटीट्यूड बिल्डिंग, एक क्योंकि एटीट्यूड सही रहेगा तभी काम होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड चीज़ है कि आप वीडियो देखें। थर्ड चीज़ है कि आपको एक मेंटर होना चाहिए लाइफ में, कोई ना कोई गुरु होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस गुरु आपका या रियल एस्टेट का गुरु। अगर ये तीन चीज़ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से नहीं रोक सकती, और वो कामयाबी ऐसी कामयाबी कि आप जो डिसाइड कर लो, जो वाट एवर यू डिसाइड टुडे, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, वो चीज़ आपके हाथ में होगी 101%। मैं आपको ये इतना दावे से बोल रहा हूँ, पूछो मत। अभी मैं एक एक को थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताऊँ, तो जैसे गुरु का इम्पोर्टेंट क्या है, आप यू नो लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो आपको संभाल लेता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको कोच करता है, वो आपको यू नो सही राह बताता है। जब आप कंफ्यूज हो कि ये करूं या ये करूं ऐसे, तो यू नो वो डील करता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने एक गेंद रखी हुई है दोस्तों, ये गेंद रखी है। अब कैसे गुरु का काम रहता है कि अगर ये गेंद को मैं नॉर्मल यहाँ से ड्रॉप कर दूं, क्या हुआ, देन ये स्टॉप हो गई बाउंस करना, है ना। ये देखो ये क्या हुआ, सिंपल। तो आपको भी, आपको यहाँ से छोड़ा, देन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो क्या हुआ, एक रिजेक्शन आया, कोई डिस्ट्रिक्शन आया, कुछ फैमिली चैलेंज आया, कुछ फिजिकल चैलेंज आया, कुछ इमोशनल चैलेंज आया, कुछ फाइनेंशियल चैलेंज आया, धीरे 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 आप शांत बन गए। आते हैं क्योंकि भाई परीक्षा देनी पड़ती है, ज़िंदगी कभी ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लैट, यू नो कभी आप ये ऐसे ही रहता है ना, हमारी सांसों का ग्राफ भी ऐसा ऊपर नीचे रहता है, अगर वो फ्लैट हो गया तो हम गए गॉन। तो अब मेंटर क्या करेगा, गुरु एग्जैक्टली क्या करेगा, ये मैंने गेंद छोड़ी, अब वो टप्पू मार रहा है, ये क्या कर रहा है, यू नो ये आप बाउंस कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कुछ आया प्रॉब्लम, एक बाउंस, उसने टप्पा मारा, ये है सिंपल। वो आपको सोने नहीं देगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे वो आपको जब भी आप डाउन होने लगोगे एक टप्पू मार देगा, आपको करेक्ट कर देगा, आपको फिर से ले आएगा, फिर से आपको फोकस कराएगा। ये इसलिए ये ध्यान रखना, हमेशा मेंटर चाहिए। इनफैक्ट मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, आपको यू नो नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर लेना, उसके बारे में जानकारी लेना, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। बुक्स क्या करती है, मैं जब कोई बातें बताता हूँ यहाँ पर, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले का हो सकता है ईगो आए, यार ये एकदम से ऐसी बातें बोल देता है, यू नो हर्ट कर देता है, बट बुक्स जो होती हैं वो साइलेंट टीचर होती हैं। पता है इतनी वीडियो बनाने के बाद, 1000 वीडियो भी हमारे कंप्लीट हो गए, इतनी बुक मेरे ख्याल से मुझे कुछ याद ही नहीं, मुझे कुछ भी मार्केट में मिल जाए, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल मेरा फेवरेट रहता है, मैं ढूंढ ढूंढ के गूगल कर करके लेके आता हूँ। अभी जैसे रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट पे भी कुछ भी आ जाता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ। तो बुक साइलेंट टीचर है,
तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने तो इतना पढ़ लिया, इतनी बुक्स, लेकिन फिर लगता है कि यार ये चेंज होते रहता है। अभी जिग जैगलर ने लिखा, या चलो जिग जैगलर तब भी, डेल कार्नेगी ने कब 1915 कब एक बुक लिखी थी, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बट वो एक क्लासिक है स्किल विद पीपल के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, लेकिन आज उसका रिलेवेंस उतना नहीं रहा है। मतलब है, आज भी वैसे ही है इंसान, बट अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, ऑनलाइन सोशल मीडिया, तो थोड़ा सा बदलाव आया उसके साथ। जूम पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं अभी ज़्यादातर ऐसे, उस टाइम पे पब्लिक स्क्रीन की बात करें तो एक बंदा आता था, हाँ सामने सामने बात करते थे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। तो फिर मैंने पढ़ा, यू नो टॉक लाइक टेड, टेड टॉक्स होता है, टेडएक्स, अब यू नो जान जाना क्या है। तो मैंने वो बुक पढ़ी तो मैंने कहा, अरे यार ये है नए ज़माने की नई, यू नो सोशल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो ऐसे बहुत ज़रूरी चीज़ें कि जो नए नए आते हैं आपको भी उसके साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, बदलाव के साथ, चेंज बिफोर चेंज बोलते हैं, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। तो बदलाव के साथ बदलते रहें, तो वो एक चीज़ है जो हमें बताती है। और कुछ चीज़ें हैं, मतलब जैसे कोई नहीं जानता है मेरे बारे में, है ना, मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ जानते हो, लेकिन कुछ मेरी ऐसी पर्सनल चीज़ें जो मैं ही जानता हूँ, बहुत ही प्राइवेट है, वो किसी को मैं बताया भी नहीं हूँ, गुरु तक को नहीं बताया हूँ। तो जब बुक पढ़ता हूँ ना, तो मुझे वो वहाँ से समझ में आता है, यार ये गलती मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक है कि जो हमें ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो मैंने बताया था कि वीडियोस, तो वीडियो का ऐसा है कि आप आँखों से देखते हो, सुनते हो, कुछ ना कुछ एक वीडियो में कोई एक आइडिया भी आपको मिल गया ना, तो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर कोई आज ये कसम खा ले कि ये तीन चीज़ मैं करूँगा, मैं ये आपको वादा करता हूँ, आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, ज़िंदगी भर सनत ठाकुर को नहीं भूलोगे, सारी टीचिंग एक तरफ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आप खुद को आप अब ट्रेन करने लगे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड रहने लगोगे और इस तरह से आपकी ग्रोथ आएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।